गुड मॉर्निंग, आज है 1 जून और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि है, आज हम सभी को जाना था बट टिकट कंफर्म नहीं हुआ और आजकल तत्काल का भी ये हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे वेटिंग में होती हैं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे जो रेलवे हो, ब्रोकर्स हो, बिचौलियों जो होते हैं वो अपना रास्ता एक ढूँढ ही लेते हैं। तो इसके लिए सब चीज़ों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को अपना ऑफिशियल ऐप व साइट ये करना चाहिए जिसके थ्रू वो चीज़ें सुचारू रूप से हो सके। जितनी ट्रेनें हैं उतना ही ट्रेवल करें या जितनी सीट है उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाए। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास कभी दिखाई दे तो उन सब चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। और बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे से वीडियोस को शेयर करते रहें और फिर मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रोज़ का मैं 1-2 काम इस तरह से छोटे छोटे काम जो मैं कर रहा हूं, उसमें एक जो ये सारी चीज़ें हैं, पौराणिक ऐतिहासिक जो मंदिरें हैं उनका जो मैपिंग है या जो मूल संरचना बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट है, मैं उन सब चीज़ों को लेके हाल फिलहाल अपना ये एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। दूसरा सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि भगवान राम जी की जो यात्रा थी अयोध्या से लंका तक की, तो वो जिस जिस पड़ाव पर ठहरे थे, मैं उसके ऊपर एक रिसर्च करके उन जगहों का अपने काल्पनिक मैपिंग के ज़रिए मैं उस टॉपिक पे भी एक सीरीज़ तैयार करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा और आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन सब विषयों पर अपने जो एक आधार, मूल आधार के साथ जब हम काम को करते हैं व रखते हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को इस रिसर्च के ज़रिए हम रखते हैं। क्योंकि जब अभी मैं अयोध्या गया था तो वहाँ पे एक गुफा था जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, हालाँकि बोर्ड बहुत घिसा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सूचियाँ बनी हुई थी जहाँ जहाँ राम जी जिस पथ से वो लंका तक पहुँचे थे। तो मेरे मन में वो आइडिया आया था, मैंने वो फ़ोटोग्राफ ज़रूर रख रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने काम के ज़रिए, काम के माध्यम से अब सभी के सामने रखूँगा, अपने विचारों से, अपने इमेजिनेशन से। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि क्या होता है, रंग, समय और इस तरह के जो विजुअल आपको देखने को मिलते हैं, तो उन विजुअल्स के साथ काम करना व उसको और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए उसके ऊपर वर्क करना, ये कलाकार का एक व्यक्तिगत मामला होता है। तो इस फॉर्म के, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा काम लैंडस्केप टॉप व्यू से होता है, तो ये एक प्लान जैसा है जो बहुत सारे लोग, आर्किटेक्ट व ऐसे कार्टोग्राफी करने वाले लोग अवश्य समझते होंगे। तो बस उसी को मूल आधार बनाकर मैं अपने काम को एक रूप देने का प्रयत्न कर रहा हूँ और बस इसी पे जो एक कलाकार का सफ़र होता है वो इस तरीके से ही चलता है। तो आप लोग देखिए, मज़े लीजिए और विजुअल्स का आनंद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि विजुअल्स ही तो हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। और इन लाइंस के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब हम करने बैठते हैं तो मन ही मन वो सारी चीज़ें उभर के सामने आती हैं। तो इन्हीं सब रिसर्च के आजू बाजू, इन्हीं सब शोध के आजू बाजू मेरे ये काम प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। तो इन सब आकृतियों को बनाने में मुझे बेस के लिए अनय ज़रूर हेल्प कर देते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं कि अनय किस तरह से हेल्प कर रहे हैं मेरी। और बेस का जो काम है वो बढ़िया अच्छे तरीके से करके देता है। तो अच्छा लगता है ये। देख।
ये लड़का बोल दूं अभी डॉक्टर के पास क्यों गया था? बोल दूं? नहीं, बोल देता था। अरे रे, ये लड़का अभी डॉक्टर के पास से होके आया। कितने वो सीक्रेट है वो नहीं बताया जाएगा, आप लोगों को आने वाले वीडियो में मिलेगा देखने को। नहीं 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 दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये सब नहीं दिखाते हैं वीडियो में, और हम ये भी नहीं बताते हैं कि ये लड़का मेरी चटनी बना दी दोनों ने मिलके। यस, और चटनी। अरे मम्मी, अरे मेरे बाल तो देखो जरा, क्रूर सिंह हो गया, क्रूर सिंह है, यक हो गया बाल, यक आ हेयर स्टाइल बना रहा है तू मेरा। बन गए, तेल लगा देना पापा, लगा देगा अभी। जिनाज जिनाज छुप गया है पीछे, देखो तो क्या उदम हो रहा है क्या? नहीं अच्छे से लगाओ, लगा अच्छे से। इधर देख, वाह, अभी उलाला 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 करो, उलाला उलाला उलाला। तो शाम को इस तरह की उधम मस्ती चलती रहती है यहाँ। यहाँ पापा को घोड़ा बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।